रेलवे ने भागलपुर से एक नई ट्रेन का संचालन कल से किया चालू और इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। लगातार बिहार में चलने वाली नई ट्रेनों का लेटेस्ट अपडेट हम यहाँ पर लेकर आते हैं और इसी कड़ी में रेलवे की तरफ से एक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। दूसरी खास बात यह है कि मालदा रेलखंड के भागलपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को चलाया गया। यह ट्रेन भागलपुर से खुलने के बाद सुल्तानगंज, बरियारपुर, जमालपुर, धराड़ा, किऊल, पटना के रास्ते चलाई गई। ट्रेन नंबर के डिटेल्स की बात करें तो ट्रेन नंबर 03483 के साथ भागलपुर से यह ट्रेन 11 बजे सुबह में रवाना की गई, जो कि यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन सुल्तानगंज, बरियारपुर के रास्ते जमालपुर रेलवे स्टेशन 12:20 पर आई। यहाँ से खुलने के बाद यह ट्रेन धराड़ा, अभयपुर, कजरा के रास्ते किऊल रेलवे स्टेशन 1:55 पर दोपहर में और यहाँ पर इसे ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज दिया गया, जिसके बाद यह ट्रेन लखीसराय, बढ़िया, हाथीराम, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुहा, पटना साहिब के रास्ते पटना रेलवे स्टेशन 4:15 पर शाम में पहुँची। यहाँ पर इसे ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज था, जिसके बाद यह ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन होते हुए कानपुर सेंट्रल, यह ट्रेन दूसरे दिन 12:20 पर मध्य रात्रि पहुँची, जिसके बाद यह ट्रेन नई दिल्ली पहुँचेगी 7:10 पर। यह ट्रेन नई दिल्ली के लिए भागलपुर से चलाई गई और 1221 किलोमीटर का यह ट्रेन सफ़र तय करने जा रही है। इस ट्रेन की खास बात यह होगी कि यात्रा के दौरान पैसेंजरों को इस ट्रेन में कुल मिलाकर 23 कोच का सुविधा मिलेगा। 23 कोच में स्लीपर के 20 कोच लगाए गए हैं, जो कि पूरी तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी के होंगे। इस ट्रेन को चलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि पैसेंजरों को दिल्ली जाने के लिए अतिरिक्त सीटें मिल पाए और यही वजह है कि इस ट्रेन को बिहार के भागलपुर से दिल्ली के लिए चलाया गया। इसके अतिरिक्त आने वाली अन्य ट्रेनों के लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।